कंप्यूटर सीखने एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट बनने के लिए हमारे चैनल एसटी एक्सपर्ट सर्विस को सब्सक्राइब कर लें। सो फ्रेंड्स, आप में से 99.9% लोग ऐसी मिस्टेक करते हैं जो कि आपको नहीं करनी चाहिए, और फिर जिससे आपका मोबाइल फोन डेड हो जाता है या फिर स्लो हो जाता है, और फिर आप बोलते हो कि भाई गलती हो गई यार, कोई बात नहीं। तो आपका नाक और सब कुछ खोल के रख दो, क्योंकि अब हम मिस्टेक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो बेसिकली हाँ, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसी मिस्टेक जो कि आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो 5 ऐसी मिस्टेक कौन कौन सी है, तो नंबर 1 की बात करते हैं, टर्म्स कंडीशन एंड परमिशन। तो बेसिकली आप किताबें तो पढ़ते नहीं हो, तो टर्म कंडीशन क्या खाक पढ़ोगे। बात तो सही है। तो बेसिकली आपको फुर्सत निकाल कर टर्म कंडीशन को पढ़ लेना चाहिए। जब भी आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो ऐप पर शुरू शुरू में आपसे कुछ परमिशन मांगता है, जो कि अगर आप उस ऐप की ज़रूरत के मुताबिक है, फॉर एग्जांपल आपको एक फोटोशॉप की ऐप इंस्टॉल करनी है, पिक्स एडिट करनी है, तो बेसिकली उसको गैलरी का एक्सेस ही चाहिए होगा, तो उसको गैलरी का एक्सेस दो और उसको चलाना यूज़ कर दो। अगर आपको कोई अननोन इंस्टॉल करते हैं तो वो आपसे ज़्यादा परमिशन मांगती है, तो रुक जाओ भाई, उसको परमिशन मत दो, क्योंकि ज़्यादा परमिशन देने से वो आपके एक्सेस कर सकती है। नंबर 2 की बात सकते हैं, यूज्ड अनइंस्टॉल ऐप्स, जो आप अनयूज्ड ऐप्स है पड़ी, उनको फौरन पहली फुर्सत में टाटा कर दो, बाय बाय कर दो, निकाल दो, खत्म, बाय बाय टाटा। से ही एक्स की याद को अपने दिल से निकाल देना चाहिए, वैसे ही अपने मोबाइल से पुरानी ऐप्स को जो कि अनयूज्ड है अपनी, उनको निकाल देना चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात। तो बेसिकली अगर आप इंस्टॉल अनइंस्टॉल नहीं करेंगे तो आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो स्लो हो सकता है। तो नंबर 3 मिस्टेक की बात करते हैं, जो कि है अपडेट योर मोबाइल फ़ोन। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई लोगों के फ़ोन चलते चलते ही डेड हो रहे हैं, आपको पता है क्यों? तो बेसिकली ये अपडेट आ रहे हैं, अपडेट में कुछ प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से आपका मोबाइल डेड हो जाता है। तो इसका सलूशन ये है कि आपको जब भी अपडेट आता है मोबाइल फ़ोन, अपडेट करने से पहले उस अपडेट के बारे में जान पीन कर लो, 1-2 मंथ 15-20 दिन रुक जाओ, एंड उसको अपडेट को देख लो कि लोगों का क्या रिएक्ट है पड़ा। तो रिएक्ट चेक करने के लिए बेसिकली आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, जो कि उस पर लिखा होगा, लोगों ने कमेंट किया होगा, यार इसमें ये पंगा है कि ये नहीं है, कि ये सही है, कि ये ख़राब है, तो उसको अपडेट देख लो, फिर बाद में अपडेट जाके कर लो। तो बेसिकली आपको ये गलती भी नहीं करनी चाहिए। अब बात करते हैं नंबर 4 की, जो कि है रूट ऑफ फोन। तो दोस्तों, आप अगर आप मोबाइल फ़ोन को रूट करने की सोच रहे हैं तो बेसिकली मैं आपको सजेशन दूंगा कि आपको रूट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और ख़ासकर अगर आपके पास सिर्फ एक ही मोबाइल फ़ोन है तो फिर कभी भी रूट नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपको मोबाइल फ़ोन इसमें छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त जो मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं वो काफ़ी एडवांस है पड़े, काफ़ी अच्छे हैं पड़े, उनमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। बेसिकली आप मोबाइल फ़ोन रूट क्यों करते थे, इस वजह से कि आपके मोबाइल फ़ोन की स्टोरेज बढ़ जाए या फिर कुछ और एक्सेस हासिल करने के लिए। तो बेसिकली अब आपको सारी कंडीशंस, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती हैं, तो क्यों मोबाइल फ़ोन को रूट करना भाई। नंबर 5 की बात करें तो वो है अननोन ऐप। तो बेसिकली अननोन ऐप क्या होती है, आप क्या करते हैं, एक ऐप को परमिशन देने के बाद वो ऐप इंस्टॉल कर लेती हैं, जब दूसरी की बात आती है तो वो आपने जिसको परमिशन दी थी वो दूसरी ऐप्स को भी इंस्टॉल करती है कि आ जाओ भाई, आ जाओ, तुम भी आ जाओ, साथ में आ जाओ। क्या बोला तूने? तो बेसिकली आपको करना क्या चाहिए, आपको हफ्ते में 1-2 बार अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग में जाएं, ऐप्स में जाएं, ऐप मैनेजर में ओपन करें ऐप्स को, एंड ऐप को ओपन करने के बाद आपको उसको स्क्रॉल करके गौर से देख लेना चाहिए कि जो ऐप आपकी अननोन ऐप पड़ी जो आपके मोबाइल फ़ोन को ख़राब कर रही है, तो उसको बेसिकली पहली फुर्सत में निकाल दो, ख़त्म कर दो, टाटा बाय बाय, खत्म, बाय बाय टाटा। तो इस तरह से आपका मोबाइल फ़ोन महफूज रहेगा, अगर वो अननोन ऐप्स आपके मोबाइल में रहेंगी तो आपका मोबाइल फ़ोन डेड हो सकता है, स्लो हो सकता है, एंड उसमें काफ़ी सारी मिस्टेक आ सकती हैं, और दूसरा कोई भी आपका अननोन ऐप्स की मदद से आपका डाटा चुरा सकता है, चोरी कर सकता है। तो बेसिकली दोस्तों, ये थी हमारे पास 5 मिस्टेक जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। एक स्मार्ट यूज़र होने के तहत आपको इनको फोर्स में करना चाहिए, इनको याद रखना चाहिए। तो बेसिकली ये थी आज की ये वीडियो, आई होप दैट आपको वीडियो पसंद आएगी। यार वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोर।